कैसे आप लोग? बहुत भाई मैं पिछली बार निकला था ना जी भाई, भाई जाने ही नहीं दे रहे थे आपको एग्जैक्टली बाद में मैंने एक बहुत बड़ा फैन था, मैंने बोला आप मेरे फैन हो, उसने कहा हाँ हैदराबाद में, बोले गाड़ी चढ़ा दो ऊपर आगे आगे बाइक लगा दी चढ़ा दो ऊपर, मैंने बोला इधर आइए आपसे मदद चाहिए, आप मेरे फैन है मुझे मदद करेंगे, बोला पहले आप तस्वीर फोटो लो, ले लिया मेरा फ्लाइट छूट जाएगा भाई मुझे उस बेचारे ने बोला भाई अब आपने मुझे बोला मैं खाली कराऊंगा रोड भाई उस बेचारे ने रोड खाली करवाई पूरी हैदराबाद में और वो एयरपोर्ट तक मैंने छोड़ने गया, अपने सारे लोग को हटाता रहा मुझे लगता है जाने में इतना समय लग गया था उसे, मैं भी सोचा था मुझे फ्लाइट जिसको कोई काम नहीं होता वो रिलीजन की बातें करता है, तो मैंने बोला भाई सुनो तो जिंदगी मुझे जी लेने दो, ठीक है मुझे इन चीजों से दूर रखो, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, मेरा जो मन कर रहा मैं कर रहा हूँ, आप मुझे मत समझाइए, मैं समझ लूंगा आज आप में, आप मुझे चेंज करेंगे अपने आप को सुखी मत करिए, मुझे जीने दीजिए, तो एक ही तो जिंदगी है लाइन बहुत हो गई, तो इंस्टाग्राम में इतना लंबा कैसे लिखूं, तो मैंने वन लाइफ लिख दिया, वन लाइफ बोल दिया, उसके बाद आप देख रहे हैं क्या हो गया, वन लाइफ के नाम पे ब्रांड सब कुछ चालू हो गया, वन लाइफ इतना फेमस हो गया, मेरे ख्याल से इंडिया में वन लाइफ वर्ड में नहीं इस्तेमाल किया है जी हाँ, इतना फेमस है वन लाइफ पे बोलते तो समझ जाते हैं मेरे ही नाम, आज हैशटैग पे देख सकते हैं उसकी काउंटिंग जो है ना ह्यूज, लेकिन इसका मकसद तो यही है ना, है क्या हमारे पास, आपका मैं स्टोरी देख रहा था बैक टू बैक यहाँ से आपके इवेंट्स है, तो हाउ डू यू मैनेज, मतलब इतना बैक टू बैक हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल आपका, तो क्या करूँ आप मुझे बताइए, मुझे बहुत पैसे चाहिए मैं चाहता हूँ कि इनकी वन लाइफ की नहीं, मैंने बहुत गरीबी देखी है जी, 10-15 साल काम नहीं था मेरे पास, घर पे बैठा था जी, अब काम मिल रहा है, ऊपर वाला काम दे रहा है, नहीं करूँगा तो उससे बड़ा बिजनेस इम्पोर्टेंट है, बहुत कम जिम भी जाता हूँ, जिम ही मिलता है, थोड़ा जिम शुरू करूँगा, अभी मेरे पास ये 4 दिन में 4 इवेंट है एक साथ, उसके बाद सोच रहा हूँ ब्रेक लूँगा, थाईलैंड चला जाऊँगा और किधर आइलैंड में जाके होटल में छुप जाऊँगा, फिर उधर जाके जिम करूँगा, कुछ नहीं करूँगा सिर्फ रिलैक्स, छोड़ेगी नहीं आप मेरे परिवार को, हां इंडिया के बाहर चला जाता हूं तो उधर कौन पूछता है भाई, हमको भाई आपको कौन नहीं जानता, देखिए मतलब देखिए आप जब बीच में जाएंगे ना नहीं देखने वाला भी देखेगा वहां पर, बेवकूफ लोग आपस में लड़ रहे हैं जी हाँ, हम कहाँ जाए बताओ और वो भी बाहर जाएंगे ना जी, तो उनको भी यही होगा, बिल्कुल हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारा सब कुछ हिंदुस्तान है, आपकी पहचान हिंदुस्तानी है, उससे ऊपर कुछ नहीं है दुनिया में, कोई भी आदमी जो रिलीजन की बात करता है चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, ठीक है मुझे उससे ज्यादा नफरत किसी लोगों से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पहले इंसानियत होना चाहिए उसका, पहले अच्छे इंसान बनो मियां, बिल्कुल अपने घर वालों को सपोर्ट करके दिखाओ पहले, फिर बाद में देश और धर्म की बातें करो, घर में अम्मी को नौकर लाके नहीं दे रहे हो, बेचारी काम कर रही है बीवी दिन भर, माँ काम कर रही है पाँव लगाने वाला नहीं, लेकिन देश की और रिलीजन की बात में सब आ जाते हैं, बिल्कुल क्या पागल लोग है नहीं अभी जितनी अपने पास में अब जैसे किसी के बारे में बुरा बोल देते हैं, किसी के बारे में जो है डिस्करेज कर देते हैं, कोई तरक्की करता है तो देखते हैं, लेकिन अब जब बाहर जाते हैं ना तो वो लोग अपने विजन पे फोकस रहते हैं, राइट, आपको ऐसा दिखा कभी दुबई के फॉलोअर्स से आपके, कभी दूसरी कंट्री के फॉलोअर्स से जहाँ से नेगेटिविटी आपको कमेंट्स आ रहे हैं या कोई ऐसी चीजें, भाई देखिए
बाहर के लोगों में यही बात है कि किसी को टाइम नहीं है कि आपके अकाउंट पे यूट्यूब पर जा करके मैं कमेंट लिखूं। यही बताना चाह रहा हूँ हैदराबाद और इंडिया के यूट्यूबर्स को, मैं तो जिंदगी में कभी किसी के पेज पे जा करके मैंने वो नहीं किया, कमेंट नहीं लिखा आज तक जिंदगी में एक बार भी नहीं। जो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं नेगेटिव, तो मुझे ऐसा लगता है अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। सोशल नेटवर्क पे एंजॉय कर रहे हैं वो करो चले, और उसमें बहस भी करते हैं फिर जी। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अरे तो सिर्फ अच्छा ग्रैंड ओपनिंग हो आपके जिम की, मैं चाहता हूँ जो भी मुझे इनवाइट करते हैं जिम को मैं दिल से प्रमोट करता हूँ, आपने देखा होगा, दुआ करता हूँ कि हर इंसान जो मुझे बुलाता है उसमें बरकत हो, काम मिले, बिजनेस करें आप, कमाएं जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे हम लोग ब्रांडिंग के लिए आप इन्वेस्ट करते हो या अपने जिम में लगाते हो, वो बरकत हो कि साहिल खान आए तो आपको मदद हुई बिजनेस में, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कोई भी ब्रांड, क्योंकि हम भी ब्रांड ओन करते हैं, सारे ब्रांड जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पैसे देते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिसको जो पैसा दिया है वो हमको सेल्स ला कर दे, तब चलेगा ना। बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की साहिल भाई, आई मीन फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि ये 35,000 जो था एक फंक्शन हॉल था यहाँ पर जी जी, तो बिल्कुल जमीन थी समझे, तो ऑलमोस्ट 9 months वेरी हैप्पी आपने किया है और बरकत दिया आपको।